हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद मेरा चैनल पे ये वीडियो आ रहा है। फ्रेंड्स, विंटर का सीज़न फिर से नज़दीक आ गया है। फ्रेंड्स, हमें विंटर की तैयारी इस समय काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेना है ताकि हमारे जितने भी विंटर फ्लावर्स है काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लूम करें। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा गुलदावरी का फ्लावर जिसकी हमने कटिंग लगा दी की कटिंग लगा चुकी थी। देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से हमारी गुलदावरी की कटिंग काफ़ी बड़ी हो चुकी है। फ्रेंड्स, काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं। देखिए कटिंग्स काफ़ी बड़ी, मैं आपको एक उखाड़ के दिखाता हूँ इस तरीके से कि कितनी बड़ी कटिंग हो गई है। मैं अभी आप लोगों को उखाड़ के दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छे तरीके से इसकी रूटिंग है। फ्रेंड्स, हमने इसको सॉइल्स में लगाया था, देखिए मिट्टी में लगाया, फिर भी कितने अच्छा और कितना बड़ा प्लांट बना है। फ्रेंड्स, हमें देखिए इस तरीके से हमने टब में भी लगा दिया। फ्रेंड्स, काफ़ी अभी हमारे 2-3 हफ्ते हुए हैं लेकिन इसको हमने बजरी में लगाया। फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर लेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम इसकी सॉइल बनाएंगे और किस तरीके से हमें इसे गमले में लगाना है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे तरीके से इसका ग्रोथ हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से हमने इसका ड्रेनेज भी अच्छे तरीके से चेक कर लिया। फ्रेंड्स, आप इस पर कोई कॉटन का कपड़ा रख सकते हैं या इस तरीके से हमारे जैसे से छोटी सी ठिकड़ा रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे मिट्टी अच्छे से बनाकर इसमें डालेंगे तो काफ़ी अच्छे से बनेंगे। फ्रेंड्स, हमने बना के रख दिया है मिट्टी और अब हम इसमें बारी बारी मिट्टी डालेंगे। इस तरीके से पहले लेयर को मिट्टी अच्छे से दबाकर डाल देंगे और फ्रेंड्स अच्छे से मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी डालते जाएंगे और हमें इस तरीके से प्लांट को लेना है। इसकी थोड़ी सी मिट्टी बाहर निकाल लेनी है और इसको हम अच्छे से ऐसे लगा देंगे बीचों बीच में और मिट्टी किनारे किनारे डालते जाएंगे। फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे को इस तरीके से हमने 4 प्लांट अभी लगा दिया। फ्रेंड्स, हमने व्हाइट वाला भी इस तरीके से अभी लगाया। देखिए ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसे भी मैं जल्दी रिपोर्ट कर दूंगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से लगा दिया और फ्रेंड्स हमें इस तरीके से अच्छे से पानी डालते देना है। फ्रेंड्स, और इसमें इतना पानी हम डालेंगे कि काफ़ी हमें एक आध दिन पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सभी को पानी डाल देंगे अच्छे तरीके से और फ्रेंड्स हम इस रिपोर्टिंग हुए प्लांट को हम छांव में रखेंगे। देखें फिर इस तरह हमारे काफ़ी अच्छे तरीके से, देखिए कितने अच्छे तरीके से मेरा एलोवेरा भी ग्रोथ कर रहा है और ये पेंडानेस तो फ्रेंड्स कितने सुंदर तरीके से ये ग्रोथ कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से लगा सकते हैं, अभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके विंटर फ्लावर काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे और आपके विंटर गार्डन बहुत सारे कलर्स में और कलरफुल लगेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो।